शिवपुर में ईदगाह रोड स्थित नारायणी अस्पताल शिवपुर के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 25 वर्षीय नवविवाहिता की भारती की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इसके पीछे सीधे सीधे जिम्मेदार नारायणी अस्पताल के डॉक्टर हैं। परिजनों ने जब भारती को 14 मार्च 2022 की रात 1 बजे नारायणी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तब भारती की तबीयत बिल्कुल सही थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी सामान्य स्थिति को देखते हुए अपने यहाँ भर्ती कर लिया। 15 मार्च को सुबह 8 बजे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई। बच्चे का जन्म तो बिल्कुल स्वस्थ हुआ लेकिन किसी डॉक्टर ने भारती का ऑपरेशन करते हुए लापरवाही से प्रसूता की नस काट दी जिससे प्रसूता की ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। वो देर रात तक ब्लीडिंग चलती रही। इसके कारण भी परिजनों ने डॉक्टरों से पूछा लेकिन डॉक्टरों का एक सामान्य जवाब था कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। इस पर परिजनों ने विश्वास किया लेकिन फिर भी प्रसूता की शाम 5 बजे तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई जिससे उसे किसी प्रकार की सुध नहीं है। आपको बता दें कि नारायणी अस्पताल से उसे सवाई माधोपुर के लिए रेफर किया गया है। नारायणी अस्पताल के पास खुद की एम्बुलेंस भी नहीं थी। आपको बता दें कि भारती जाट उम्र 25 वर्ष सवाई माधोपुर में डॉक्टरों ने प्रसूता की हालत देखकर ब्लीडिंग का कारण पूछते ही बता दिया कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन के वक्त प्रसूता की नस कट जाने के कारण इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। सवाई माधोपुर में डॉक्टरों ने देखते ही बता दिया कि प्रसूता की नस कट जाने की वजह से इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। अब आप इसे आगे लेकर जाएं। तुरंत परिजन सवाई माधोपुर से जयपुर अपेक्स अस्पताल लेकर पहुंचे जिसके बाद जयपुर में डॉक्टरों ने भारती को मृत घोषित कर दिया। भारती जाट उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समय रहते डॉक्टर अपनी लापरवाही को छुपाते नहीं और परिजन के पूछने पर सारी बात बता देते तो परिजनों को समय रहते इलाज करने का मौका मिल जाता। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखिए, मेरी पहले भी इस बात को लेकर के बार बार इन लोगों से मेरी लड़ाई हुई है जनता के लिए, क्योंकि ये मनमाने तरीके से अपने फीस वसूल करके जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, और इनकी लापरवाही के कारण हमने देखा कि आज हमारी एक बहन की मौत हो गई और बहुत सारी घटनाएँ जिनसे लोग तड़पते हुए यहाँ से गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जयपुर और कोटा में जाके जान बचाई है। लास्ट समय तक ये भ्रम में रखते हैं, लोगों से पैसे वसूलते रहें उसके लिए लोगों की जान को दांव पे लगा देते हैं। हम सब निश्चित रूप से आहत हैं उस बहन के प्रति जिसकी जान गई, और इस के कारण हम सबको ये नारायणी हॉस्पिटल पर हम खड़े हैं। ये आज बंद है, अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शोपुर ज़िले के नागरिक जिस प्रकार से सजग हुए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, उस आवाज़ की धमक से हॉस्पिटल बंद हो गया। अभी सरकार की और शासन प्रशासन की कार्रवाई होना शेष है, तो इस बात को हम सब लोग जागरूकता से जब लड़ेंगे हक की लड़ाई लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम आएंगे कि जो लापरवाह लोग हैं उनको अपनी उसमें सुधार करना पड़ेगा या यहाँ से भागना पड़ेगा। एक बात और बोलो भाई साहब, इसमें जिला अस्पताल में